सीएम अशोक गहलोत ने भी वोटिंग की है। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत भी इस वक्त उनके साथ रहे और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी वोट डाला गया। मां मंदिर के जैन स्कूल मतदान केंद्र पर 107 बूथ संख्या पर उन्होंने अपने पूरे परिवार सहित वोटिंग की। मतदान के बाद मीडिया से वे रूबरू भी हुए और सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हर तानाशाह सबसे पहले राष्ट्रवाद की बात करता है, जैसे कि राष्ट्र के अधिकांश लोग उसकी तरफ खींचे चले आए। दुनिया का इतिहास बताता है कि जब कोई तानाशाह बना है तो उसने सबसे पहले राष्ट्रवाद की ही बात की है। मोदी जी भी कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वे राष्ट्रवाद की बात करके समाज और देश को बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर यह भी कहा कि इन बातों को मीडिया भी समझे। मीडिया खुद ही दबाव में है, उनके मालिक संपादक लगातार दबाव में है। इस वक्त बहुत खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को इस बारे में समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा। मिशन 25 को लेकर सीएम गहलोत ने अपनी राय रखी कि यह चुनाव राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 3 महीने पहले ही चुनाव हुए हैं और कांग्रेस की सरकार बनी। 3 महीनों में हमारी सरकार ने बहुत शानदार फैसले लिए हैं। हमने जो वादे किए हैं उन वादों को हमने पूरी गंभीरता के साथ निभाया है। राहुल गांधी जी जो कहते हैं, जो हम कहते हैं वह करते हैं। इस चुनाव में भी हम कामयाब होंगे। जनता का एक एक वोट हमारी सरकार को मजबूती प्रदान करेगा। राजस्थान में हमें 5 साल काम करना है और शानदार फैसले करने हैं। ये जो बड़ी बातें हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही, और ये तब कही जब उन्होंने पूरे परिवार सहित वोट डाला, और वोट डालने के बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए, और मीडिया से मुखातिब होने के बाद उन्होंने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को भी अपनी इंपॉर्टेंस को समझना होगा। दबाव में काम कर रहा है मीडिया, बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते आ रहे हैं। जनता का, जनता को चुनाव लड़ रही है, सामने है बीजेपी और कांग्रेस। जनता फैसला करेगी कि वैभव को चुनाव कामयाब करके जन विकास यात्रा जारी उसको आगे बढ़ाए। मेन बात जनता का धन्यवाद, जनता को आभार, जो आशीर्वाद, जो समर्थन मिला है और जो प्यार मिला है उस पर निश्चित तौर पे हमारी जीत है और हम जोधपुर के विकास की भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पहले प्राथमिकता होगी जो 3 महीने तक की भाजपा की सरकार थी, केंद्र में इनकी सरकार है, जिस तरीके से इन्होंने व्यवहार किया जोधपुर के, जो भी विकास के काम अवरुद्ध हो गए उनको वापस हम पटे।